तो यहाँ पे ना हमने बॉल रख दी है, ये परेशान हो रहे हैं दोनों के दोनों। ये देखो, ये तो कोशिश कर रही है। बेटा नहीं मिल सकती, फिजिकली पॉसिबल नहीं है, तेरा हाथ इंसान जैसा थोड़ी है। बब्जी की एक बार चेस देखो आप। सिट, तू ज्यादा ही शैतान हो गया कि बात नहीं मानेगा। ये देखो लीडी वाली की हालत। यहाँ आए थे हम भल्ले पापड़ी खाने, तो मुझे देखा कि एक भाई साहब भल्ले पापड़ी की प्लेट चाट रहे हैं। और क्या, चलो थोड़े थोड़े गीले हो गए हैं। ये देखो, दो ही नहीं है बेटा, ये दो ही नहीं है, ये खा जाएगा फिर। आज मुझे लगता है कि ना लोग सही कहते थे कि बच्चों को ना अपने आप से अलग रहने की भी आदत डलनी चाहिए। कोविड में हो गए, पैंडेमिक के टाइम पे सारे ऑफिस बंद, वर्क फ्रॉम होम, तो शिवाय एक दिन भी मेरे बिना नहीं रहा है। उस तरफ छोड़ बेटा, किसी को तंग नहीं कर। 25 किलो थोड़ी है आगे के दोनों में। हाँ बब्बे, पूरा खड़ा हो बेटा, यहाँ लगा रहे कोई कोई इंजेक्शन, बहुत ज्यादा डरती है ये तो। ओली बब्बा नहीं डरते। गुड मॉर्निंग। सो दोनों बच्चे अभी बहुत गहरी नींद में हैं, सुबह 8:30 हो गए हैं। शिबिया उठने वाला और जे अंगड़ाइयाँ ले रहा, आई थिंक इनके डाइपर भर गए हैं। हाँ, सुबह मैं अपनी एक्सरसाइज करके आया। तो गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अनदर व्लॉग, वेलकम टू नमितोलॉजी। मनी सुबह सुबह 6:30 बजे क्या काम कर रही है मैं आपको दिखाता हूँ। 6:30 से 8:30 2 घंटे हो गए। तो मनी कर रही है अपना काम ऑफिस का, सुबह सुबह लग गई थी मन्नी का, बहुत सारा पेंडिंग काम है ऑफिस का जो उसको फिनिश करके जाना, तो वो बहुत ज़्यादा टेंशन में है। कल रात को भी 12:30 बजे तक काम किया है और सुबह 6:30 बजे उठ के अपना लगी हुई है, तो डेडिकेशन तो है भाई। क्या हुआ, क्या हो गया? आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब ये सबसे पहले भागेगा, पापा नहीं चाहिए इसे, अब इसे चाहिए दीदी, है ना। ये गया दीदी के पास। गुड मॉर्निंग। ये देखो, अब यहाँ मन्नी जैसे, अब शिवाय भी उठ के आएगा। ये लो, उड़ गया शिव। तो कितना कुत्ता है, वहाँ पे ना आइसक्रीम के रेपर्स पड़े हैं, सुबह सुबह उठ के पहले चेक किया कि इसके अंदर आइसक्रीम है कि नहीं है। ये देखो, ये लड़का आइसक्रीम का इतना बड़ा दीवाना है, हैं वो दीवाने नहीं है आइसक्रीम के। देख, फेंक दे, फेंक दे, आइसक्रीम नहीं है इसमें। बब्जी नहीं है वो, लेडी वाली है, लेडी जे है, सॉरी लेडी क्या है, जोही। अरे तो मैं तो दिमाग ही हिला हुआ। नहीं, ये बड़ा गलत बिहेवियर है, ऐसे नहीं पैर मारना उसे, समझ रहा है तू? ये देखो, जान के तंग कर रहा है तू उसे। मत कर, ये क्या कर रहे हो तुम दोनों, और दोनों अंडरवेयर में क्यों हैं? मॉर्निंग में आया हूँ ओला से मिलने। हेलो ओला, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गुड़िया। ये बेचारी अंदर जाने को, बब्बा ना देखे। गुड मॉर्निंग ना, नीचे नीचे नीचे, डाउन डाउन, इधर आओ पहले बैठो। तो यहाँ पे ना हमने बॉल रख दी है, ये परेशान हो रहे हैं दोनों के दोनों। ये देखो, ये तो कोशिश कर रही है। अब बेटा नहीं मिल सकती, फिजिकली पॉसिबल नहीं है, तेरा हाथ इंसान जैसा थोड़ी है, हैं? इंसान जैसी है तू? चल मैं तो ये नहीं इजी कर देता हूँ। ओए ओए, तूने तो पीछे फेंका दी है, ले फिर मैं दोबारा आगे कर दी, अब ले ले। वेरी गुड। तो ये लेडी ऑल। ट्यूजडे मॉर्निंग, बब्जी फ्री हो रहा है, जो ये पॉटी यहाँ पे करता है तो हम खड्डा खोदते हैं और पॉटी उसमें दफना देते हैं, वो सबसे इजी है। ये देखो, ये भी चलो बहुत अच्छा, दोनों के दोनों बिल्कुल सही सिंक्रनाइजेशन के अंदर बैठे हुए हैं। सुबह लेके आए हैं हम इनको मॉर्निंग की वॉक पे, पार्क बिल्कुल खाली, ट्यूजडे मॉर्निंग। ये देखो, अब ये बॉल मैंने रखती, और ये देखो पीछे से लेडी ऑली मचलती भी आ गई। बब्बा कहाँ है, बब्जी कहाँ है, बब्बे? और मैंने बब्जी को आवाज़ दी है, जब मैं बब्जी को तेज आवाज़ देता हूँ बब्बे बोलता हूँ तो बहुत जल्दी सुनता है, अभी पता नहीं कहाँ गायब है, मुझे लग रहा है पीछे कहीं निकल गया। बब्जी, बब्बे, बब्जी कहाँ है, बब्बा हैं? सिट, आ गया सिट, बैठो दोनों पहले, जल्दी 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 बैठो, सिट सिट सेट सेट सेट। तू ज्यादा ही शैतान हो गया कि बात नहीं मानेगा। बब्जी की एक बार चेस देखो आप। ये देखो ओली, और ये बॉल गई।
अब इनको मैं आधा घंटा खिलाता हूँ, आखिरी में आपको दिखाऊंगा कि ये कैसे फूले हुए हैं। सांस दोनों की फूली होगी। थोड़ी माइल्ड ही एक्सरसाइज कराऊंगा ताकि ओली प्रेग्नेंट अभी स्टार्टिंग इनिशियल स्टेज है, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। बहुत हल्का हल्का, दूर ज़्यादा नहीं फेंकूंगा और ओली के साथ ही खेलते हैं। मैंने आपको बोला था कि मैं आपको आखिरी में दिखाऊंगा, पर मैं आपको बीच में भी दिखाता हूँ। ये देखो लीडी वाली की हालत। माले संभली भी नहीं जा रही बॉल। लीडी वाली तो देखो किस पोस्चर में लेट गई है। ये देखो चलें आप घर चलें। चलो घर चलते हैं। चलो बहुत हो गया आज के लिए खेलना, ठीक है? आओ तुम्हारा मुंह हाथ धुलवाऊं, साफ करूं, ऑफिस में बैठो फिर, ठीक है? तो गाइस यहाँ हम आए हैं एक आई वाली शॉप पे, ऑप्टिशियन पे, चश्मे की शॉप पे, क्योंकि हम जाने वाले हैं और कुछ ही चंद दिनों में, और राहुल के चश्मे तोड़ने चाहिए। ये डंडी इसमें लग जाएगी। कौन सी वाली? ये वाली। यहाँ मन्नी का चल रहा है आई टेस्ट। पड़ गया होगा नंबर तक लग रहा है। तो सुबह 6 बजे से कंप्यूटर पे बैठ जाती है। पर तेरा वो है ना एंटी, वो है ना यहाँ मैं इसमें लगवा दूँ। चलो सेम साइज। फर्स्ट क्लास है, सब पढ़ने में आ। नीचे की लाइन तो पढ़ के बता। तो यहाँ आ गया बब्जू। दो ही नहीं है बेटा, ये दो ही नहीं है, ये खा जाएगा फिर, ठीक है? दो ही नहीं है, बब्जी है वो। बब्बे क्या ढूंढ रहे हो तुम? हाँ बब्बी जेजो, नो गंदी बात, हट जा तू, चला बब्बू। ये ना सच में तुम्हारा लड़का है। नहीं जेजू का नहीं, नहीं नहीं नहीं, सोमी दीदी प्लीज पकड़ लो, सब काम छोड़ दो। ये ले ले चौके। अच्छा खड़े हो, बब्बी टिंडी बूटी खोलने से चले बब्बे। चल चलो मेरा बेटा चल। तो गाइस हम लोग जा रहे हैं बब्जी को ईयरली वैक्सीनेशन लगवाने, और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम लोग जाने वाले, आपको पता है, बहुत जल्दी US। तो उससे पहले हम इनकी सारी वैक्सीनेशंस, दवाइयाँ जो भी केयर करनी है पूरी, ऐसे पूरा इनका कार्यक्रम करके जाएंगे कि इनको कोई भी परेशानी ना हो पीछे से। और अब इसकी एंटी रेबीज तो लगी चुकी थी जब इसको काटा था स्ट्रीट डॉग ने, उसके अलावा केनाइन पार्वो, डिस्टेम्पर और केनाइन कोरोना कफ, ये सब की भी जानी थी। तो अब ये वाली वैक्सीनेशन लगवाने हम इसको लेके जा रहे हैं, साथ में लेके जा रहे हैं हम जोई को। तो गाइस जोई हो चुकी है पूरे 90 दिन की, उससे ऊपर हो चुकी है, तो अब इसको लग सकता है एंटी रेबी का शॉट। अब ये एलिजिबल हो गई है अपनी एज और हाइट हेल्थ वेट की वजह से, तो अब हम इसको लेके जा रहे हैं उसके लिए। तो दोनों कामों के लिए जा रही है जोई और जा रहा है साथ में बब्सी। हमारा एसी चल रहा है 4 नंबर पे, देखो आप, ठीक है? और गाड़ी के अंदर पता है कौन कौन बैठा हुआ है? मन्नी, मैं, शिवाय, जे, सॉरी जोई। बैठ जा, पीछे मत जाइए ना, भुतकने की कोशिश कर रही है कि मैं बब्जी के पास चली जाऊँ। बेटा नहीं, मैं नहीं संभाल सकती, तेरा कोई काम नहीं था वैसे शिवाय आने का। अरे यार बच्चे है यार, उसको होता है। तो घर पे दादा दादी के पास रुक सकता था ना? इसको ना हर जगह जाना है मेरे साथ, वॉशरूम, टॉयलेट। आज मुझे लगता है कि ना लोग सही कहते थे कि बच्चों को ना अपने आप से अलग रहने की भी आदत डलनी चाहिए। कोविड में हो गए, पैंडेमिक के टाइम पे सारे ऑफिसेज बंद, वर्क फ्रॉम होम, तो शिवाय एक दिन भी मेरे बिना नहीं रहा है। तो जैसे मेटर्निटी खत्म हुई, लॉकडाउन लग गया और घर पे ही रही मैं, तो इसको आदत ही नहीं कि मैं उसके बिना। तो अब मैं ऑफिस भी जाती हूँ, पीछे से ये वो हाल करता है, मतलब वॉशरूम तक नहीं जाने देता है लड़का। क्या हुआ है, क्यों बोल कर रहा है, क्या हुआ? बब्बे बब्बे इधर आ जा, बब्बे उस तरफ खोल दे बेटा, किसी को तंग मत कर। बब्जी किसी ऑटो में भौंक रहा है। पर क्यों, वो इसको देख रहा होगा, जो नारियल वाला आया था उसको कुछ नहीं कहा। आते जाते लोग बब्जी को छेड़ रहे हैं, अभी स्कूटर पे एक अंकल इसको कह रहे थे क्या हो गया, अब तुम छेड़ोगे रॉटवाइलर को तो वो तुम्हें बख्शेगा, वो भी फिर भौंकता है जोर जोर। बब्जी को लेके आए हैं वैक्सीनेशन लगवाने पूरे साल की, जैसे मैंने आपको बताया था। और 25 किलो है। 25 किलो थोड़ी है, आगे के दोनों पैर। हाँ बब्बे पूरा खड़ा हो बेटा, अभी तो पूछ नीचे रहेगी, पूछ का भी तो वजन होएगा। आप जोई को पकड़े खड़े हो, जोई किसी के साथ भी घुल मिल जाती है, सबके साथ फ्रेंडशिप करती है, वेरी गुड। पैकेज दे रहा हूँ,
कितने का? तो उसमें तो एंटी रेबीज भी होता है, पूछो ना वो चीज उनसे। दोबारा लग जाएगा एंटी रेबीज, क्या प्रॉब्लम? ये थोड़ी इंजेक्शन ही घुसाते रहोगे, यहाँ लगा रहे सोई को इंजेक्शन, बहुत ज्यादा डरती है ये तो। ओली बाबा नहीं डरते? ये शायद सिर्फ पपीज में होता है। हाथ में पकड़ के नहीं लगवा रही थी तो टेबल पे बिठा दिया। टेबल पे तो अच्छे से लग गया। वेरी गुड जोई, थोड़ा मल दो। मेरा बब्बू सिट डाउन, बब्जी स्टॉप एक्सप्लोरिंग एंड सिट डाउन। तो फिर से फॉर्मेशन वही बना ली है, राहुल बब्जी के ऊपर चढ़ गए हैं और डॉक्टर साहब यहाँ लगा रहे हैं उसको इंजेक्शन। लग गया, दैट वाज वेरी क्विक। बब्जी देख रहा है राहुल को, ये मेरे साथ कुछ हुआ है। बश, बश, बश। क्या वो गुस्सा चढ़ा है? दोनों लग गए, गुस्सा चढ़ा ना इसे, मेरे बब्बे को गुस्सा चढ़ा कि क्या हुआ मेरे साथ। अब ठीक है, अब तुम केयर करो। 2 साल के हिसाब से 40 किलो वजन ठीक है, एकदम परफेक्ट। परफेक्ट है ना? नहीं, एक्टिव बच्चा है, बहुत अच्छी एक्टिविटी करता है, बहुत अच्छी एक्सरसाइज करता है। मेरा देख रहा है, यही बंदा है जिसने मेरे को इंजेक्शन लगाया। क्या ये वही बंदा? बाबू घर चले या इन्हीं के साथ रहना है आज? चले जोई, तो दिल लगा हुआ है, छोड़ जाए फिर इसको। बाय जो, जोई बाय बाय, हम जा रहे हैं। अब पता चल गया उसको, है ना, अब भागेगी तुम्हारे हाथ से। आज कितने का बिल आया है? बिल नहीं, पैकेज दिया मैंने। अरे तो पैकेज मुफ्त का आता है, वो तो बिल ही होता है ना। उसने इसका थर्ड ईयर पैकेज लिया जिसके अंदर 4 वैक्सीनेशंस हैं, और आई थिंक आई हैव ट्राइड सेवरल क्लिनिक्स एंड दिस इज द बेस्ट डील आई गॉट हियर। सो एनिमल फ्रेंड, सॉरी द एनिमल फ्रेंड। और ये कहाँ पड़ता है? ये मॉल टाउन में है, पुलिस लाइन ग्राउंड के सामने। बब्बा देख रहा है बिल्कुल शिवाय को, कि शिवाय के पास कोई आ ना पाए, पूरा गार्ड बन के बैठ गया शिवाय का, है ना। बब्जी यू कैन सिट डाउन। गाइस, मैं वैसे बोलना नहीं चाहता था, पर जब बोलना बहुत ज़रूरी है। हैट्स ऑफ टू मन्नी, क्योंकि गाड़ी के अंदर मैं तो हूँ ही, ये देखो, ये भी, ये भी, ये भी, और पीछे बब्जी। और एक मदर ही होती है जो इतनी मुश्किलों के अंदर कि आपको पीछे की खिड़कियाँ दोनों खोलनी पड़ती हैं, फिर भी बैठी हुई है और उस सांस को ना दबा के बैठी हुई है जो इतने सारे डॉग्स की आ रही है। शिवाय को ना मना किया था, मता मता मता, लेकिन मानता नहीं है। फिर क्या करे बंदा, लेके ही आना है फिर इसको हर जगह अपने साथ लेके चलती हूँ, क्या करूँ। और ये देखो ऐसे बैठी हुई है, वो पीछे गुंडा मेरा। तो जहाँ आए थे हम भल्ले पापड़ी खाने, तो मुझे दिखा कि एक भाई साहब भल्ले पापड़ी की प्लेट चाट रहे हैं। और क्या, चलो ले ले, ले ले केला ले ले, आज इनका मन भर गया केलों से। सो गाइस, शाम के हो गए हैं 6:40 और अब हमने ऑफिस बढ़ाया। ऑफिस बढ़ाया तो इसका मतलब दोनों गार्ड अपने गार्ड ड्यूटी पे आएंगे। ये रही ओली और बब्जी, थोड़े थोड़े गीले हो गए हैं, ये देखो। इन्होंने क्या किया, आते ही अपना पानी पिया और बाल्टी के अंदर से अपने आप को थोड़ा सा गीला किया, मैंने थोड़ा सा प्रेशर तेज कर दिया था। दोनों अपनी मस्ती के अंदर हैं, अब ये बैठेंगे पूरी रात बाहर, अब ये जगह ढूंढ रहे हैं। हाँ जी, चलना है घूमी घूमी, घूमी घूमी चलना। अभी नहीं, रात को चलेंगे, अभी मुझे जाना है घूमने, उसके बाद मैं तुम्हें रात को मिलता हूँ, ठीक है बब्बे? ओके, रात को मिलूंगा बब्बे ओला, ठीक है, चलो रात को मिलता हूँ डिनर टाइम। यहाँ रात की वॉक के ऊपर आई है जोई। जोई चल इधर वॉक कर ले, हमारा बस यही एरिया, आ जाओ। रात को यहाँ बैठी हुई है चंपा, और चंपा से भी एक बार मिल ले। हाँ चंपा, क्या हाल है तेरे? तबीयत ठीक है तेरी? है मेरे बच्चू? हुई हुई। तो चंपा कम से कम भी 10-12 साल की है, फर क्वालिटी देखो कितनी अच्छी है ना। ओई होई, चल खाना खाया तूने आज का? तो चंपा गई अपने किनारे और हम जा रहे हैं अपने किनारे। बाय बब्जी। ओले बैठ बैठ, ज्यादा फुदक मत मेरे बच्चे, ज्यादा फुदक मत, प्रेग्नेंट है छोटी गुड़िया, ज्यादा नहीं फुदको। जी खाना खाया सोने पापा ने? डिनर हो गया? क्या खाया जिन्होंने राहुल, क्या खाया है जिन्होंने? बॉइल्ड राइस, पेडिग्री, चावल, दही। पेट भर गया गुड्डे का? बैठ जा, आ जा। हमें गेट बंद होने वाला है, मुझे इनको लेके जाना पड़ेगा। मेरे को ना उदासी हो रही है,
क्यों? हम लोग चले जाएंगे कैसे, इनको याद आएगी हमारी, है ना? तुझे ही याद आएगी इनकी? मुझे तो आएगी आएगी, इनको भी आएगी, मैं ये कह रही हूँ। मेरे प्यारे बच्चे पकड़ नहीं आता, 15-20 दिन की तो बात है। चलो गुड नाइट, जाओ चले बब्बे। हाँ। चलो बाय बब्जी, गुड नाइट ओला, बाय गुड नाइट, गुड नाइट गुड़िया, जाओ सो जाओ, चलो जाओ, नहीं नहीं करो, चलो। 11-11 बजे भी राहुल को कॉफ़ी पीनी, तो ये है राहुल की कोल्ड कॉफ़ी। रात को 11-11 पे बंदा कोल्ड कॉफ़ी पिएगा तो सोएगा कब? पकड़ो। जे को हम छोड़ आए थे नानी हाउस, वो वहीं रहेगा। कल सुबह मैंने पार्लर जाना है आखिरी टचअप कराने, वैक्सिंग वुक्सिंग का, और वो सब कराने के बाद बस आपको पता चलेगा कि कब निकल पड़ेंगे हम लोग अपने भाई की शादी में। और गाइस इसी के साथ इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। मुझे बहुत नींद आ रही, कल सुबह का वेकअप टाइम है 5:30 बजे का, क्योंकि ऑफिस का काम ख़त्म करना है, अब कल का दिन रह गया, अब कल पार्लर भी जाना है मुझे। तो व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, एडिट करते हैं, आपके लिए अपलोड करते हैं, मिलते हैं नए व्लॉग में। तब तक के लिए लाइक शेयर कॉमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें, मिलते हैं कल, बाय।